जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स, एज प्रॉमिस्ड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया और वाइसराय की सीक्वेंस की ट्रिक। तो हम दो चीज़ें पहले ही कर चुके हैं इसमें। एक तो गवर्नर्स, जो बंगाल के गवर्नर्स थे उनकी सीक्वेंस, और जो गवर्नर जनरल्स थे बंगाल के उनकी सीक्वेंस। तो मैंने इसको टोटल चार पार्ट में डिवाइड करा है, गवर्नर, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड वाइसरायस। ठीक है, तो आज हम जो रिमेनिंग दो पार्ट हैं इसके, आज हम वो करेंगे। तो आज चलिए फटाफट से शुरू करते हैं गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो ट्रिक है वो है इंडिया बैन मैट ऑन लैंड, बोरोइंग हार्ड हाउस कैन बी डन। अब देखिए, यहाँ जो एक थॉट है वो थॉट क्या है, वो थॉट समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया ने बैन कर दिया क्या लैंड पर मैट, मतलब एक मैट जो चटाई वगैरह होता है उस तरीके का, या आप समझ सकते हैं कि कच्ची चीज़ें जो होती हैं, इंडिया ने वो बैन कर दिया। लेकिन इंडिया का क्या मानना है कि बोरोइंग हार्ड हाउस, मतलब कोई भी आप ब्रिक वगैरह का हाउस है तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप लैंड पर मैट वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया के सारे नाम याद हो गए हैं क्रम से। और इसके बाद मैंने हिंदी की भी ट्रिक दी है, आपको जो अच्छी लगे आप वो ट्रिक याद कर सकते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं दोनों में ही आपको ट्रिक्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो हमारा जो पहला नाम है वो है विलियम बेंटिक, सेकेंड है मैटकॉफ, और थर्ड है ऑकलैंड, एलनबरो, लॉर्ड हार्डिंग, डलहौजी और कैनिंग। राइट फ्रेंड्स, अब देखिए एक ही लाइन में हमें ये सारी चीज़ें याद हो गई। इसके अलावा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये इनकी पूरा टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन क्या क्या रही इनके, किस किस ईयर से किस ईयर तक इनका रहा। और यहाँ पे जो स्टार है, स्टार का मतलब है कि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, और ये नेक्स्ट, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद क्या बने थे, वाइसराय। ठीक है, तो फर्स्ट वाइसराय भी यही थे। तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो 1856 से 1858 तक था। और ये जो ब्लू कलर में आपको लिखे हुए हैं ये है एक्टिंग गवर्नर जनरल। ठीक है, ये मैंने नीचे नोट में दिया हुआ है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इससे पहले ट्रिक्स और इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो लास्ट में आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए इसकी हिंदी ट्रिक पर चलते हैं। हिंदी की ट्रिक है हमारी, इंडिया में बंटी ने मैट की लैंड बोरो कर हार्ड हाउस की नींव रखी। तो बंटी ने क्या किया, एक मैट था, मैट नाम था किसी का, तो मैट से लैंड बोरो की, मतलब ज़मीन खरीदी और उस पर क्या किया, हार्ड हाउस की नींव रख दी। तो विलियम बेंटिक, ऑकलैंड, हार्डिंग, कैनिंग, मतलब कैनिंग लास्ट में आएगा। ठीक है, ये ऐसे हैं, विलियम बेंटिक, मैटकॉफ, ऑकलैंड, एलनबरो, हार्डिंग, डलहौजी और कैनिंग। ठीक है, तो ये सारे नाम वही हैं। चलिए चलते हैं हमारी फटाफट से नेक्स्ट ट्रिक पर। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी वाइसराय की। देखिए, वाइसराय अगर हम क्रम याद करते हैं तो बहुत सारे हैं, तो इसके लिए ट्रिक थोड़ी सी लंबी है, तो आप अगर दो तीन बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती थी कि आपको ब्रेक कर करके दो दो तीन तीन बार में, दो दो तीन तीन लाइन अलग अलग करके मैं आपको याद कराऊं, क्योंकि उसमें फिर हमें याद नहीं रहता कि पहले कौन सी थी दूसरी कौन सी थी। इसीलिए मैंने सिर्फ एक इसकी ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक है इन कैन ऑफ एलियन, मतलब एलियन की एक कैन थी, जॉन मेयो बुक लिटिल रिबन फेयरिंग बाय लेंस इन एलियन जोन, मिंटो हार्डली अफोर्ड रीडिंग बट विन बाय विल इन लाइन इट्स वेलकम बैट। ठीक है, अब ये क्या है कि एलियन की एक केन थी, तो जॉन और मेयो ने क्या किया, उस केन के लिए ना एक लिटिल रिबन, मतलब छोटा सा रिबन बुक कर दिया, और लेंस से एलियन के जोन में गए लेंस लेकर। लेकिन वो लेंस से डर रहे थे कि हम जा रहे हैं उस जोन में, लेकिन क्या करना है। ठीक है, उसके बाद मिंटो जो था वो रीडिंग बहुत मुश्किल से कर पाता था, इसीलिए उसको लेंस की ज़रूरत थी जो जॉन और मेयो लेके गए थे उसके लिए। बट उसके बावजूद भी वो रीडिंग ही बहुत मुश्किल से कर पाता था, उसके बाद भी उसने विन किया, मतलब वो जीता, किससे, अपनी विल पावर से, इन लाइन, मतलब लाइन में लगा हुआ था, क्यों, बहुत लंबी थी जीतने वालों की, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन फिर भी वो जीत गया अपनी विल से। ठीक है,
और ये क्या था, बिल्कुल बहुत अच्छा कॉम्बैट था, ठीक है। तो अभी बहुत सारे नाम हैं इसमें, देखिए सारे नाम इस लाइन से याद हो गए, तो आप दो तीन बार इस लाइन को बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं इसके बाद आपको हिंदी में भी दूंगी, आपको जो इजी लगे आप वो कर लीजिएगा। तो एक बार दोबारा बोलते हैं इसको, इन कैन ऑफ एलियन जोन में ओ बुक लिटिल रिबन फियरिंग बाय लेंस इन एलियन जोन मिंटो हार्डली अफोर्ड रीडिंग बट विन बाय विल इन लाइन इट्स वेल कॉम्बैट। तो कैनिंग एल्गिन लॉरेंस मेयो नॉर्थ बुक लिटन रिपिन डॉफिन लेंस डाउन एल्गिन सेकेंड कर्जन मिंटू हार्डिंग टू चेम्सफोर्ड रीडिंग इरविन विलिंगडन लिलिथगो वेवेल एंड माउंट बेटन। ये देखिए ये सारे नाम हैं, 21 नेम्स हैं, तो डेफिनेटली ट्रिक थोड़ी सी लंबी होती है 21 नेम्स में। तो ये 21 नेम्स आप एक बार इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नाम बहुत सारे हैं। इसके लिए जो एक्टिंग गवर्नर्स रहे हैं या एक्टिंग वाइसरॉयज जो इसमें रहे हैं वो मैं आपको लास्ट स्लाइड में भी दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक्टिंग गवर्नर नहीं रहा है या एक्टिंग वाइसराय नहीं रहा है। तो एटलीस्ट आपको एक बार वो जो नेम्स हैं वो आपकी नज़रों से निकले हुए होने चाहिए, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में है ये ट्रिक, केन में एलियन की जान देख माया ने बुक को लिटिल रिबन से बांधा और डफर की तरह लैस हो एलियन से कर्ज ले दो मिनट में हार्ड फोर्ड की रीडिंग कर रवि की बिल्ली में लीन हो बेल का बटन दबा चली गई। डेफिनेटली ये भी लंबा ही है उसकी तरह, तो इक्वली लंबे हैं, जितना वो लंबा है उतना ही ये लंबा है, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। तो यही वो सारे नाम हैं, ठीक है। चलिए अब मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ जो नेक्स्ट हमारे एक्टिंग गवर्नर्स रहे हैं। ये वायसराय जो रहे हैं गवर्नर्स के मैंने आपको पहले भी दिए हुए हैं, ये देखिए आप ये सारे नेम एक साथ देख सकते हैं। इसमें कैनिंग और एल्गिन के बाद रॉबर्ट नेपियर फिर डेनिसन, ये दो आए थे, ये नवंबर से दिसंबर रहे थे सिर्फ अराउंड 1 मंथ, और जो नेक्स्ट है डेनिसन वो भी अराउंड 1 मंथ ही रहे थे, ठीक है। फिर जॉन लॉरेंस आए थे, फिर लॉर्ड मेयो, मेयो के बाद फिर दो एक्टिंग गवर्नर्स रहे हैं स्ट्रेची, एक तो रहे हैं हमारे स्ट्रेची, ठीक है, और स्ट्रेची के बाद रहे हैं लॉर्ड नेपियर। अब देखिए ये दोनों नेपियर अलग हैं, ये रॉबर्ट नेपियर हैं और ये लॉर्ड नेपियर हैं। उसके बाद अब देखिए आपको सिर्फ एक बार ध्यान में ये नाम निकालने हैं, रॉबर्ट नेपियर लॉर्ड नेपियर, तो ये तो नेपियर नेपियर एक ही नाम हो गया, कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेची और डेनिसन, ये टोटल 3 नाम आपने एक बार देख लिए, तो इनकेस अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। यही हम मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं लाइन से लिखे हुए हैं, मेयो नॉर्थ बुक लिटन रिपिन डॉफिन लेंसडाउन एल्गिन कर्जन मिंटो सेकंड हार्डिंग सेकंड चेम्सफोर्ड रीडिंग इरविन विलिंगडन लिन लिथगो वेवेल माउंटबेटन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो देखिए अगर हम आप बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो हमने अभी तक 4 ट्रिक याद करी हैं, क्लाइव स्टार्ट क्लाइंबिंग वेरी केयरफुली आफ्टर वार्निंग, तो ये हमारे हो गए गवर्नर्स ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या याद किया था, उसके बाद हमने याद किया जीजी वॉर ऑफ मैक फॉर वॉल शू इज वेल सेटल इन बार मिनट ही हैज़ एड रेस्ट ट्रिक्स, ये हो गए हमारे गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। और इसके बाद हमने क्या याद किया है, अभी हमने याद किया है इंडिया बैन मेट ऑन लैंड बोरोइंग हार्ड हाउस कैन बी डन, ये हमारी थर्ड हमारी हो गई है जो है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। और ये वॉइस राइज की हमने याद अभी करी ही है जो मैं अभी आपको बता रही थी, ठीक है। तो ये चारों हमने याद कर लिए हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा हम जल्द ही, जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर थोड़े से अराउंड 500 हो जाते हैं, तो हम इसके लिए अब जो लेक्चर सीरीज़ है हमारी वो स्टार्ट करने वाले हैं, और वो लेक्चर सीरीज़ बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। उस लेक्चर सीरीज़ में हम NCERT से बेस से लेकर हायर लेवल तक के जितने भी रिसर्चेज हैं या जितने भी टॉप राइटर्स हैं उन तक के सारे डिटेल टॉपिक वाइज एक ही वीडियो में या एक ही लेक्चर में हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी, ताकि आपको इतनी सारी बुक्स खरीदने में, समझने में, उन्हें पढ़ने में इतना सारा टाइम ना लगाना पड़े, उन सबको एकदम
कंप्रेस करके जितना शॉर्ट में और जितना एक प्रोडक्टिव आपको वीडियो प्रोवाइड की जा सकती है, जो कि आपको अभी तक मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखे, बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, तो उनमें वो चीज़ नहीं मिलती है। तो मैं आपको कुछ अलग चीज़ प्रोवाइड करना चाहती हूँ ताकि आप द हिस्ट्री लाइब्रेरी को कभी ना भूलें। आप एक ऐसा नाम याद रखें, हिस्ट्री लाइब्रेरी, कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री की तैयारी करनी है, तो सिर्फ एक नाम आप याद रखें, द हिस्ट्री लाइब्रेरी। मुझे वो पहचान चाहिए अपने चैनल की। तो इसके लिए जो मैं मेहनत कर रही हूँ, तो वो मैं चाहती हूँ आपके द्वारा वो रिकॉग्नाइज हो। तो आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। पर उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही आपके फीडबैक्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। लाइक के थ्रू आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करवा के अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं। तो और अगर आपको कुछ कमी भी लगती है तो आप मुझे उसका फीडबैक कमेंट के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। आपके सजेशंस हमेशा बहुत ही अप्रिशिएटेबल हैं, तो आई विल अप्रिशिएट दैट। तो फाइनली चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम एंड गुड लक।